स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी की पत्नी डॉक्टर नीरा चौधरी को स्वास्थ्य विभाग में संयुक्त संचालक नियुक्त करने के साथ ही कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने सवाल किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ना खाऊंगा ना खाने दूंगा के नारे का क्या हुआ। सज्जन सिंह वर्मा ने आगे कहा कि प्रभुराम चौधरी खुद अपने विभाग का निर्णय नहीं ले पाते, उनकी जगह नरोत्तम मिश्रा हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े फैसले ले रहे हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने सज्जन वर्मा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ये कांग्रेस की दृष्टि में दोष है, भारतीय जनता पार्टी में पारदर्शिता के साथ काम होता है। मोदी साहब कहाँ है, शिवराज चौहान कहाँ है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। जब इतने सीनियर डॉक्टर पढ़े हैं, अनुभवी डॉक्टर पढ़े हैं, कोरोना का भयानक संक्रमण चल रहा है, ऐसे समय पे आप एक अपने परिवार की महिला को यदि स्वास्थ्य संचालक बनाते हैं तो मध्य प्रदेश की जनता आपको साधुवाद देगी कि बहुत बढ़िया, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। पहली बात तो ये है कि प्रभुराम चौधरी उनके विभाग का कोई निर्णय ले ही नहीं पाते, नरोत्तम मिश्रा जो विभाग का निर्णय लेते हैं, तब ये महिला क्या निर्णय ले पाएगी बेचारी। इसमें खाने देने और नहीं खाने देने वाले विषय कहाँ से आया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पारदर्शिता के साथ काम होता है और स्वास्थ्य मंत्री जी ने कोई निर्णय लिया है तो निश्चित रूप से सरकार का निर्णय है वो, और इसलिए बेहतर ही निर्णय हुआ होगा।